दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष बकरी पालन पर आधारित एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो बकरी पालन के कुछ शर्त होते हैं। अगर उसकी शर्तों को आप पूरा करते हैं तभी आपको बकरी पालन में सफलता मिल सकती है या सफलता मिल पाएगी। यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लिए और उसी हिसाब से जाए और 10-20 बकरी लेकर आए और फिर फार्मिंग शुरू कर दे तो फिर औंधे मुंह गिरना आपका तो तय हो जाता है। तो आज कुछ ऐसी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और मैं अभी दोस्त हूँ नवतपुर एरिया के अमरपुरा गाँव में और यहाँ पर एक फार्मर है, बिल्कुल ही शुरुआत किए हैं और इन्होंने भी बिल्कुल ही बकरी पालन का जो शर्त होता है शुरुआत करने का, सारे शर्तों को इन्होंने पूरा किया है। बहुत ज़्यादा इनके पास अभी फिलहाल बकरी नहीं है, ज़्यादा नहीं, 5 बकरी है और उसके 5 बच्चे भी हैं। तो सारी जानकारी आपको इसकी वीडियो मिलने वाली है और उनके घर पर हूँ। और देखिए यहाँ पर ये इनका फार्म है, छोटा सा सेटअप है दोस्त, फार्मिंग का लो कॉस्ट मॉडल सेटअप है। इधर जो व्यवस्था है मदर गोट रखने की है और इधर जो व्यवस्था है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो यहाँ पर जो बच्चे हैं उसको रखने की है। फार्म के जो ओनर हैं ये रमेश जी हैं। नमस्ते। और बहुत सारी जानकारी आपको इनके द्वारा मिलेगी इनके फार्मिंग के विषय में, तो बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और दोस्त बता दें कि बकरी पालन करने से पहले इन्होंने जो तैयारी किया था काफ़ी बढ़िया तैयारी किया था। एक तो है कि जो बकरी लेकर आए हैं आप देख पा रहे होंगे, जो भी बकरियाँ यहाँ पर हैं वो ब्लैक बंगाल प्रजाति की है और गांव से ही लेकर आए हैं। लगभग 5 की संख्या में है और 5 बच्चे भी आ चुके हैं, यानी कि रिजल्ट भी आ चुका है। लगभग 3 महीने पहले इनकी फार्मिंग की शुरुआत, इन्होंने फार्मिंग की शुरुआत की थी और फार्मिंग शुरू करने से पहले इन्होंने इसके चारे का भी प्रॉपर बंदोबस्त किया। ये जो एरिया है नवतपुर एरिया है, इधर रबी का फसल अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए दलहनी भूसा है, उसका पूरा का पूरा स्टॉक रखे हुए हैं। लगभग 5 बकरी अगर एक वर्ष भी इसको खाएगी तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया काम इन्होंने ये किया कि चारे का है, एक साल का है, इन्होंने कोटा जो होता है पूरा कर लिया। उसके बाद फिर हरे चारे का भी प्रॉपर बंदोबस्त इन्होंने किया है कि बकरियों का कोई दिक्कत ना हो, हर चीज़ इनको मिलता रहे और लो कॉस्ट में इसके भोजन की व्यवस्था कर पाए। चलिए अब मुखातिब होते हैं जो इस फार्म के ओनर हैं उनसे और बहुत सारी बातें जो आपके मन में होगा, जो आप सुनना पसंद करते होंगे या जो जानना चाहते होंगे, मैं इनसे पूछने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्ते सर। अपना पूरा परिचय और ये आपका गाँव कहाँ पर है पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ, मेरा गाँव अमरपुरा नवतपुर नगर पंचायत में पड़ता है, पटना जिले में। अच्छा, यहाँ पर पढ़ता हूँ और यहाँ पे अपना फार्मिंग चालू किया। बकरी पालन करने से पहले कुछ तैयारी करनी होती है, आप भी जानते हैं इस बात को, तो कौन कौन सी तैयारी आपने किया? सबसे पहले तो हमने अपना फार्म करने के लिए ट्रेनिंग ली अपना, उसके बाद ट्रेनिंग में बताया गया कि भाई साल भर का भूसा वगैरह खाना पीना रखना है, सब कैसे कैसे उसको ट्रीटमेंट करना है, समय पर उसका वैक्सीनेशन करना है, समय पर उसको डिवार्मिंग वगैरह करना है, ये सब चीज़ का व्यवस्था ट्रेनिंग में दिया गया और उस हमने व्यवस्था किया। बकरी लाने से पहले आपने ट्रेनिंग लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भोजन की व्यवस्था जो बकरी पालन करने से पहले की जाती है वो किस तरह की आपकी रही, इसके विषय में जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैं भोजन उसको बकरी को लाने से पहले हमने भोजन की व्यवस्था कर लिया। हमारे गांव में ही दलहनी फसल होती है तो दलहनी फसल का हमने स्टोर कर लिया साल भर के लिए पहले, और उसके बाद हरे चारे की व्यवस्था अपने खेतों में ही कर दिया। फिट कॉस्ट कम हो सके आपका? जी, फिट कॉस्ट कम हो सके, पैसे में अपनी बकरियों को पाल सके। मार्केट से बहुत ही कम सामान हमें खरीदना पड़ता है, जैसे मैं सिर्फ चोकर और मिनरल ही। इसकी कितना देते हैं सर? वो मतलब जो अनुपात होता है देने का उसी का अनुपात देते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा तो खर्च नहीं पड़ता होगा? नहीं नहीं, ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादातर तो हमारे गांव में ही घर में ही हो जाता है। तो थोड़ा सा खर्च पर भी हम आते हैं राजेश जी, कि 5 बकरी आपके पास है, सारी बकरियाँ आपकी बच्चा दे चुकी है जो कि रिजल्ट हमारे दर्शक भी देख पा रहे होंगे, तो एक बकरी पर कितना खर्च आपको गिरता होगा? ऐसा तो अभी अनुमान नहीं लगाए हैं, लेकिन हमने भूसा वगैरह लिया था तो करीब हमको 200 रुपये पर मन के हिसाब से पड़ा था। 5-6 या बहुत होगा तो 7 रुपये के आसपास पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता, कम ही पड़ता है। 5-7 रुपये के मैं अपनी बकरियों को पाल लेते हैं। जी जी। और अब ये बताइए कि ये जो बकरी 5 बकरी लाए हैं वो कहाँ से लेकर आए हैं? ये बकरियाँ हम अपने आस पास गाँव से ही लेकर आए हैं। कितना पड़ा था आपको? ये करीब 4.5-5 कोई 6 ऐसा पड़ा। तो टोटल जो कॉस्टिंग आपका बकरी फार्म में आया है, बकरी फार्म शुरू करने में, वो क्या था आपका? सबसे पहले तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, अपना फार्म वगैरह बनाया, उसके बाद कुछ भूसा वगैरह उसका लेते देते करीब 70-80 हज़ार रुपये हमको, यानी कि बकरी सब लेकर, बकरी लेकर के बकरी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाए हैं साथ चारा उसका जो व्यवस्था की है, सारा मिला करके 70 हज़ार में आपकी फार्मिंग शुरू हो गई। तो
कितने दिन हुआ आपके फार्मिंग में आए हुए? ये करीब अभी 2.5 से 3 महीने के हुआ है। 3 महीने में 5 बच्चे भी आ गए? आ गए, 5 बच्चे भी। प्रेगनेंट लिए थे? प्रेगनेंट लिया था सर मैंने। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि कम पैसे में शुरू तो करना चाहते हैं और बच्चे लेकर चले जाते हैं, यानी कि मेमने लेकर के घर आ जाते हैं और उसकी फार्मिंग शुरू करते हैं। तो अगर दोस्त अगर ऐसा आप सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर आप मेमने लेकर आते हैं और तो उसको पालन पोषण करने में भी आपको समय लगेगा, पैसा लगेगा, और जो रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमारा रिजल्ट आए फार्मिंग में, तो आपको वो नहीं आ पाएगा। कम से कम तो 1 ईयर आप पीछे चले जाएंगे फार्मिंग में। जैसा कि इन्होंने किया है कि बिल्कुल ही शुरुआत इन्होंने किया है, तो 1 ब्यांत की या 2 ब्यांत की जो बकरियां हैं उसको ही इन्होंने सेलेक्ट किया है, जो कि ट्रेनिंग के दौरान बताया भी जाता है कि जब भी फार्मिंग की शुरुआत करें एडल्ट बकरी से करें, ताकि रिजल्ट जो है ना बहुत जल्दी आपके पास आए। तो इन्होंने बखूबी इस नियम का पालन किया है, जो कि विशेषज्ञ भी बोलते हैं कि जब भी फार्मिंग की शुरुआत करें तो एडल्ट से किया जाए, तो इन्होंने किया है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। मात्र 3.5 महीना लगभग हुआ है और 5 बच्चे भी इनके फार्म में आ चुके हैं, यही ना? जी जी ये। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ भविष्य है कुछ? जी बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आप तो अच्छे घर से हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, तो फिर इस फार्मिंग में क्यों आए? एक्चुअली मैं फार्मिंग हमें अच्छा लगा, क्योंकि ये है कि बाहर कहीं भी आने जाने से अच्छा है कि अपना घर में कुछ जॉब किया जाए, अपना हो, हमें दूसरे के अंडर में काम करने से अच्छा है खुद का काम करें। रमेश जी गांव है, गांव में तो भाई बकरी पालन जो होता है ना, काफ़ी हेय दृष्टि से लोग देखता है कि आओ कुछ नहीं मिला भाई कि तो बकरी पालन कर रहे हो, एकदम निम्न कोटि का काम है, कैसे तुम कर लिया और तुम पढ़ लिख करके क्यों काम किए, ये सब सुनने को मिलता है कि नहीं? कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जनरली अब धीरे धीरे समाज बदल रहे हैं, लोग आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, फार्मिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं, नए नए तरह के ब्रीड आ रहे हैं इसमें, तो जिसको जानकारी नहीं है वो लोग तो ऐसे बोलते हैं, जिसे जानकारी नहीं है सब चीज़ की वो तो लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं बकरी क्या है, लेकिन जो जानकार लोग हैं इसमें बड़े पैमाने पे भी आ रहे हैं। घर से सपोर्ट मिलता है क्या? जी बिल्कुल, घर से सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन तो ऐसे एक्चुअली मैं अभी था कुछ और था, लेकिन मैं चाहता हूँ बिजनेस में ही जाऊँ, इसी में बकरी पालन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो 5 है, आगे क्या योजना है आपकी? आगे योजना अभी और बढ़ाने की है। तो ब्रीडर तो नज़र नहीं आ रहा है? मैं ब्रीडर में लाने वाला हूँ। अच्छा, कौन सी प्रजाति का? अभी तो मैं लाने वाला हूँ बरबड़ी लाने वाला हूँ। यानी कि आपका उद्देश्य है बकरी पालन में क्रॉसब्रीड की फार्मिंग करने की? जी 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 बिल्कुल, क्रॉसब्रीड का। और बरबड़ी के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप बोर लाने का इरादा है, यानी कि बरबड़ी का ब्रीडर लेकर आएंगे, क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद फिर जो अगला स्टेप होगा वो बोर का होगा उसका। बकरी की संख्या नहीं बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे बिल्कुल बढ़ाएंगे। सितंबर महीना चल रहा है अब, लगभग फरवरी या मार्च में मैं आपके पास आऊँगा, तो उस समय लगभग आपकी बकरी की संख्या कितनी होगी? 20 हो जाएगी। 20 कम से कम 20 जरूर हो जाएगी। उससे तो यहाँ से बच्चे भी आएंगे? बच्चे भी आएंगे और कुछ और बाहर से भी मैं मंगवाऊंगा। बाहर से मंगवाएंगे? जी मंगवाऊंगा। इसका जो शेड्यूल है भोजन का वो कैसा है, किस तरह का भोजन इनको देते हैं? शेड्यूल का भोजन का मैं अभी 2 टाइम का रख रखा हूँ, सुबह में 6 से 7 बजे तक इनको दे देता हूँ और दोपहर में 2.5 से 3 बजे तक इनको दे देता हूँ, शाम को दाना वगैरह इनको खिलाता हूँ। तो सुबह में क्या देते हैं, दोपहर में क्या देते हैं और शाम को क्या देते हैं? सुबह में इन लोग को दलहनी जो भूसा हुआ उस भूसे में चोकर वगैरह मिलाकर खली वगैरह मिलाकर के उसको दे देता हूँ, दोपहर को भी थोड़ा सा वही देता हूँ और शाम को इन लोग का प्रॉपर दाना जिसमें मक्का हो, बाजरा हो, उसके बाद फिर चोकर वगैरह हो, कुछ मिनरल मिक्सचर वगैरह होते हैं, कुछ दलहनी मतलब खली वगैरह जो होता है वो होता है, उसके बाद फिर दलहनी जो भूसा होता है दलहन का मसूर वगैरह का वो सब मिला करके इन लोग को 100 से 150 ग्राम 200 ग्राम तक देता हूँ, 200 ग्राम तक। तो हरा चारा अभी इनके भोजन में शामिल नहीं है? अभी शामिल नहीं है, अभी रेडी नहीं हुआ? अभी रेडी नहीं हुआ, अभी सब लगा हुआ है, सब तो अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी रेडी नहीं हुआ है। 3 महीने भी तो आए हुए हैं खेतों में थोड़ा पानी वानी भरे पड़े हुए हैं। हाँ वही अभी तैयार नहीं हुआ है, वो सब छोटा है, अभी तैयार नहीं हुआ है। अच्छा, तैयार नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो फार्मिंग की जस्ट शुरुआत करने वाले हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए, क्या क्या उनको करनी चाहिए? जो कि 3 महीने का आपके पास अनुभव है, तो कुछ ना कुछ तो अनुभव आपके पास हो चुका है, तो अपने अनुभव के आधार पर उनको कुछ बताइए। नए जो है तैयार करने वाले हैं उनको तो मैं बोलूँगा पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि ये बकरियाँ ऐसी है जो मतलब अगर सेट नहीं हुई तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक्चुअली में नुकसान होने का वजह ये है जो हम जानकारी नहीं होना, तो और व्यवस्था पूरी व्यवस्था कर लें, चारे का व्यवस्था पूरी कर लें, आपका फीड कॉस्ट कम पड़ जाएगा और लागत कम होगी, प्रॉफिट अच्छे होंगे। यानी कि आपके कहे अनुसार जब भी बकरी पालन की शुरुआत करें तो प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेंगे, ले लें, बेहतर जानकारी, बढ़िया से जानकारी ले लें, तब जाकर के उसके बाद फिर बकरी पालन की, चूंकि ये बकरी पालन की तैयारी में ही शामिल है, उसके बाद फिर उसका भोजन का पूरा प्रॉपर व्यवस्था कर लें।
और उसके बाद फिर बकरी पर आ जाए। उसके बाद फिर बकरी अपना अच्छे नस्ल का लें, अच्छे क्वालिटी का लें, ज़्यादा बढ़िया रहे। और दूसरी बात है कि बकरियाँ छोटे बच्चे न लें, क्योंकि नुकसान हो सकता है, समय लगता है इसमें, इसमें समय लगता है, तो हम फीड कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो चाहिए कम फीड कॉस्ट में अच्छे प्रॉफिट हो, तो ऐसी बकरियाँ लें जो हमें तुरंत रिजल्ट दे सके। वैक्सीनेशन वगैरह अभी किए हैं कि नहीं? वैक्सीनेशन हो चुका है अभी, एक दो कर दिए हैं। कौन कौन सा वैक्सीन इन लोगों को दिया? एफएमडी हो गया है और ईटीटीटी हो गया है, अभी पीपीआर नहीं किए हैं, करने वाले हैं। एफएमडी का वैक्सीनेशन हो गया है, ईटी प्लस टीटी का वैक्सीनेशन हो गया है, पीपीआर का बाकी है, वो बाकी करना है, देना है इनको। वो अभी देंगे, करीब एक महीना बाद देंगे। तो इनको कम्प्लीट स्टॉल फिट पर रखते हैं या फिर चराई पर भी? प्रॉपर स्टॉल फिट पर रखे हुए हैं सर, समय नहीं है कि चराई पर रखें, इसलिए प्रॉपर स्टॉल फिट पर इसको रखे हुए हैं। तो स्टॉल फिट पर तो खर्चा बहुत ज़्यादा गिरता है। नहीं, घर का सामान सब आ जाता है ना, खेत में वगैरह में से फरा चल आ जाता है, भूसा वगैरह गांव में सस्ते मिल जाते हैं, और हमारे खेत में सब कुछ हो जाती है, तो एक कॉस्ट कम पड़ता है, कम पड़ जाता है। अभी जो आपके फार्म में पांच बकरी है, तो पांच बच्चे भी हैं, तो उसमें से कितने मेल और कितने फीमेल हैं? पांच बच्चे अभी हमारे बाड़े में आए हैं, जिसमें से दो मेल आए हैं और तीन फीमेल हैं। दो मेल है और तीन फीमेल है जी। तो ये अपने घर पर ही रखेंगे इसको? जी बिल्कुल, घर पर ही रखेंगे। जो मेल है उसको बेच सकते हैं? बेच सकते हैं, हाँ, मेल को बेचेंगे, बाकी फीमेल को रखेंगे। फीमेल को रख लेंगे जी। जी जी। और दोस्तों हमारे साथ भैया जी हैं जो इनके बड़े भाई हैं। तो सर कैसा लग रहा है ये जो बकरी पालन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये सही दिशा में जा रहे हैं, जो इनका फैसला बकरी पालन करने का था वो सही था या गलत? सही है, बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ करने के बाद फिर जहानाबाद में मैं करने वाला हूँ। आप भी करने वाले हैं? तो दोनों भाई हूँ, तो ये पहले एक भाई को बढ़ोतरी दे दूँ तो दूसरे वहाँ व्यवस्था करूँ। बिल्कुल, तो अब यहाँ पर भी होगा तो प्रॉपर रूप से चलना शुरू हो जाएगा। हाँ। बढ़िया हो जाएगा, तो फिर जहानाबाद में आप खोलेंगे? जहानाबाद में खोलेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दिया। तो दोस्तों आपने सुना जो भी इनके पास अनुभव था, साझा किया आपके समक्ष, और कैसे इन्होंने तैयारी की बकरी पालन की, किस तरह का फीड मैनेजमेंट किया, किस तरह का आवास का इन्होंने प्रबंधन किया बकरी पालन में, सारी जानकारी आपको इन्होंने दिया। और दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी, इनकी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा गुरु माई इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए।